नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 जून बुधवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। चिड़ावा अग्निपथ योजना से 19 साल का युवक इतना डिप्रेशन में आ गया कि उसने सुसाइड कर लिया। परिजनों ने बताया कि वह सेना भर्ती की तैयारी कर रहा था, लेकिन जब से नई पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ तो वह परेशान होने लगा। मामला झुंझुनू के चिड़ावा शहर का है। यहां स्टेशन रोड पर रहने वाले अंकित ने अपनी बहन पूनम के घर सुसाइड कर लिया। दोनों झुंझुनू के कोलसिया की नहरा की ढाणी के रहने वाले हैं। पूनम झंझोत के सरकारी स्कूल में LDC के पद पर कार्यरत है। परिजनों ने बताया कि अंकित सोमवार को ही अपने ननिहाल भोड़की से बहन पूनम के पास गया था। मंगलवार को अंकित ने कमरे में पंखे पर फंदा डालकर सुसाइड कर लिया। सूचना के बाद जब पूनम घर पहुंची तो फंदे से लटके भाई का शव देख बेहोश हो गई। हनुमानगढ़ में पुलिस से सांठगांठ कर युवक को जेल से छुड़ाने का झांसा देकर लाखों रुपए ठगने का मामला सामने आया है। टाउन थाने में दर्ज NDPS मामले में तस्कर ने झांसल गांव के युवक का नाम लिया था, जिस पर पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया गया। युवक के पिता ने जानकार ने उसको जेल से छुड़वाने और मुकदमे के नाम निकलवाने का कहकर 5,80,000 रुपए ठग लिए। फिलहाल पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिरानी थाना प्रभारी ओम प्रकाश सुथार ने बताया कि सत्यनारायण पूनिया निवासी चक 6 MS रोई झांसल ने बताया कि मेरे बेटे योगेश के खिलाफ साजिश के तहत नशीली दवाई के मामले में टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर लिया था। उस समय मेरा बेटा BSc BEd का स्टूडेंट था। मुकेश कुमार सेन की 2007-2008 में फतेहाबाद में रहने वाले इससे उसकी पहचान हुई थी। जब मुकेश को पता चला कि मेरा लड़का योगेश जेल में है, तब उसने दिसंबर 2020 में मुझे फोन करके कहा कि मैं तुम्हारे बेटे का नाम केस से निकलवा दूंगा या कोर्ट से बरी करवा दूंगा। पीड़ित ने बताया कि आरोपी ने उसको बड़े लोगों से जान पहचान होने का झांसा दिया था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जोधपुर में एक शादीशुदा युवक युवती परिवार को छोड़ लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। इस पर परिवार वाले नाराज हो गए और धमकाने लगे। दोनों हाईकोर्ट पहुंचे और सुरक्षा को लेकर याचिका लगाई। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए जोधपुर ग्रामीण SP को पुलिस प्रोटेक्शन देने के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार औसिया निवासी 23 वर्षीय हिना पिछले 3 साल से पीहर में रह रही थी। वही 42 साल के महबूब खान की पत्नी का भी देहांत हो चुका है और 5 बच्चे हैं। ऐसे में दोनों 8 जून से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। एडवोकेट निखिल भंडारी ने इनका परिवाद पेश किया। परिवाद में बताया कि हिना के पीहर पक्ष वालों से उन दोनों को जान व माल का खतरा लगातार बना हुआ है। हाईकोर्ट की ग्रीष्मकालीन न्यायाधीश जस्टिस रेखा बोराना ने सुनवाई करते हुए लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले दोनों प्रेमियों को पुलिस सुरक्षा देने के आदेश दिए। तेज रफ्तार वाहन सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रहे हैं। राजस्थान में लगातार ऐसी गाड़ियों से एक्सीडेंट हो रहे हैं और लोगों की जाने जा रही हैं। नया मामला भरतपुर जिले का है। यहाँ एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने 2 स्टूडेंट्स को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई। इसके एक दिन पहले पाली में भी तेज रफ्तार SUV के चपेट में आने से किसान की मौत हो गई थी। दरअसल सुबह भरतपुर के नदबई क्षेत्र में शराब के नशे में एम्बुलेंस चला रहे ड्राइवर ने 2 नाबालिगों को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल एक स्टूडेंट की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना नदबई कस्बे में नदबई हलैना सड़क मार्ग की है। इस घटना का एक CCTV वीडियो भी सामने आया है। स्टूडेंट को टक्कर मारकर ये एम्बुलेंस आगे पुलिया से टकरा गई। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस चालक ने इस युवक को टक्कर मारने से कुछ सेकंड पहले एक और व्यक्ति को टक्कर मारी थी। एक दूसरे से शादी रचाने के लिए 2 युवतियां करीब 2.5 महीने पहले घर से भाग गई थी। घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने देखा कि दोनों बालिग हैं, इसलिए एक्टिव नहीं हुई। घर वालों ही ढूंढते ढूंढते उदयपुर पहुंचे। दोनों युवतियों ने घर वालों के साथ जाने से इनकार कर दिया। मंगलवार को उदयपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेशी हुई तो साफ कहा, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, पति पत्नी की तरह रहना चाहते हैं। फिलहाल कोर्ट ने दोनों को नारी निकेतन भेज दिया है। बुधवार को फिर सुनवाई होगी। अजमेर शहर की रहने वाली 2 युवतियां एक ही समाज की हैं। 3 साल पहले सामाजिक कार्यक्रमों में दोनों की मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। करीब 2.5 महीने पहले दोनों अपने घर से गायब हो गई। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। राज्य के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल 24 जून से शुरू हो जाएंगे, लेकिन रेगुलर क्लासेस 1 जुलाई से शुरू होंगी। टीचर्स को 24 जून से स्कूल पहुंचना होगा। वहीं सभी स्कूल्स में एडमिशन की लास्ट डेट 15 जुलाई तय की गई है। शिक्षा विभाग ने सेशन 2022-23 का कैलेंडर जारी करते हुए इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल की ओर से जारी ईयर कैलेंडर के अनुसार नया सेशन 2022-23 24 जून से आरंभ होगा और तथा सामान्य प्रवेश प्रक्रिया आरंभ होगी। प्रवेशोत्सव 2 चरणों में चलाया जाएगा। प्रथम चरण 24 जून से प्रारंभ होगा। पढ़ाने के लिए रेगुलर क्लासेस 1 जुलाई से होंगी।
प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई अथवा परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिन बाद तक रहेगी। वहीं व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में योजना का प्रचार प्रसार एवं नवीन विद्यार्थियों के लिए प्रवेश हेतु काउंसलिंग कार्य 21 से 30 जून तक किया जाएगा। बाड़मेर में एक महीने पहले लव मैरिज करने वाला जोड़ा देर रात पुलिस से सुरक्षा मांगने पहुंचा। इस दौरान पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल दोनों पर युवती की मां ने चोरी का केस दर्ज करवा रखा था। वही गिरफ्तारी के बाद इस प्रेमी जोड़े का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दोनों सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं। वीडियो में 22 वर्षीय युवती रिमझिम बोल रही है कि 20 मई को हमने अजमेर आर्य समाज में शादी कर ली थी, परिवार वाले अब हमें जान से मार सकते हैं। वहीं दोनों के खिलाफ युवती की मां ने चोरी की कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। आरोपी युवक ज्वेलर है। बाड़मेर में शहर निवासी 22 वर्षीय रिमझिम और 22 वर्षीय स्वरूप सोनी 20 मई की रात घर से सोने के गहने और कैश लेकर भाग गए थे। दोनों अजमेर आर्य समाज में शादी कर ली थी। भरतपुर में बाइक सवार बदमाशों ने एक स्टूडेंट को गोली मार दी। स्टूडेंट की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद उसे आरबीएम अस्पताल लेकर आए, यहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। घटना सेवर थाना इलाके के बिलोट गांव की है। युवक नदबई थाने के भदीरा गांव का रहने वाला है। वह बिलोट गांव में अपनी बहन के घर रहकर पढ़ाई कर रहा है। मंगलवार को पंकज का बीए का पेपर था। वह पेपर देकर अपनी बहन के घर बिलोट जा रहा था। जैसे ही वह सेवर के लुधवाई टोल प्लाजा के कुछ किलोमीटर आगे पहुंचा तो पंकज के पीछे दो बदमाश आए और उन्होंने हथियार निकालकर पंकज पर फायर कर दिया। गोली पंकज के पेट के दाहिने तरफ लगी। गोली लगते ही पंकज घायल होकर सड़क पर गिर गया और बदमाश बाइक से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर जिले में 14 दिन से घर से लापता युवती के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। युवती अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से जेवरात और नकदी लेकर भागी है। बॉयफ्रेंड ने अपने दोस्त के हाथ नशीली दवा लड़की के घर भेजी थी, जिसके बाद पूरे परिवार को बेहोश कर दोनों भाग गए। दूसरी ओर लड़के के घर वाले लड़की को छुपाने की बात कह रहे हैं। दरअसल सीकर के उद्योगनगर थाने की लड़की की गुमशुदगी का मामला 7 जून को दर्ज किया गया था। लड़की के पिता ने पुलिस को बताया था कि सुबह उठे तो बेटी घर में नहीं मिली। अलमारी और बक्से में रखा 7 तोला सोने के जेवरात और 80,000 रुपए की नकदी गायब मिली। लड़की के पिता ने बताया कि 2 दिन पहले पड़ोसी ने बताया कि आपकी बेटी दोस्त के साथ भागी है। पड़ोसी से बात का पता लगने पर युवती के पिता ने नाबालिग लड़के के भाई और माँ से बात की तो उन्होंने कहा कि तुझे तेरी बेटी नहीं मिलेगी, बेटी की तलाश करना बंद कर दो। उद्योगनगर थाना अधिकारी श्रीनिवास जांगिड़ ने बताया कि मामले की जांच SC ST सेल इंचार्ज बाबूलाल बिश्नोई कर रहे हैं।